बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का, एक बार फिर हाजिर हैं। बेहद खास प्रोग्राम हमारे साथ हैं नेविगेटर ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से मैडम वीना गोयल जी। 26 साल का एक्सपीरियंस मैडम वीना गोयल जी को ऑस्ट्रेलिया के लिए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को इन्होंने गाइड किया है और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को बाहर भेजा है उनको वीज़ा ग्रांट करवा के। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, असल में पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने में। अगर हम जनवरी और फरवरी इनटेक की भी बात करें तो गुजरात, केरल या हम बात करें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उस तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं अभी फाइल्स लॉन्च कर रहे हैं जनवरी और फरवरी इनटेक की, जबकि पंजाब के स्टूडेंट्स आम तौर पर जो फाइल लॉन्च करते हैं वो 15th of November के बाद वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ता है फाइल लॉन्च का जो पैटर्न है। लेकिन ऐसा क्यों है और आज के टाइम में जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जल्दी फाइल नहीं लगाएंगे तो आपको क्यों कम चांसेस रहेंगे वीज़ा मिलने के, जीटी ग्रांट होने के, इसका टेक्निकल रीज़न आज जानने की कोशिश करेंगे मैम वीना जी से। वीना जी आपका स्वागत है जी। नमस्कार मैम, क्या फ़र्क पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में आज के टाइम में रेस्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरी स्टेट्स के स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर रहे हैं, पंजाब के अभी सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करें या हम बाद में अप्लाई करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में जल्दी फाइल लगाने से? देखो, फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये वीडियो हिंदी में बनाने का पर्पज़ यही है कि पंजाब के अलावा भी हमें बहुत सारे स्टेट से कॉल आ रहा है और उनको शायद पंजाबी समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि हिंदी के माध्यम से हम सबके साथ हम उनको अपनी बात समझा सकते हैं जी। अब एक स्टूडेंट जो अवेयर स्टूडेंट है, जो कि बिल्कुल फोकस्ड है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाह रहा है, तो बहुत पहले अपनी यूनिवर्सिटियाँ देखना शुरू कर देता है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, 12th में है या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसने आइल्स करनी है, पीटी करनी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ की आलमोस्ट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन ऑस्ट्रेलिया में भी जो है 3 months पहले COE की कंप्लीट हो जाती है, मींस उसके बाद वो COE नहीं देते, दैट मीन्स कि इतना टाइम हाई कमीशन को भी चाहिए फाइल प्रोसेस करने के लिए। तो आपको अगर 3 महीने पहले COE अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बंद हो रही है तो उससे 2 महीने पहले एटलीस्ट आप हमारे पास आएंगे तो ऑफ़र लेटर और GTE सारा जो है टाइम के साथ प्रोसेस होएगा। और जो बच्चे 23 पास आउट हैं, मैं बार बार उनको कहती हूँ कि बिल्कुल राइट टाइम है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया एंड अक्टूबर का भी काफ़ी टाइम अब निकल गया है, तो बहुत कम टाइम हमारे पास जैन फेब के लिए बचा है, तो आप इमीडिएट अभी इसमें कर लीजिए, इसके बाद आपके पास जून जुलाई वाला टाइम होगा। अब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जब ये बहुत सारा जो नए साल का कोटा हर एम्बेसी को अलॉट होता है तो नए साल में जो है काफ़ी सारा वीज़ा निकल जाता, कहते हैं ना कि मेरे उस फ्रेंड का वीज़ा लग गया, मेरा क्यों नहीं लगा, इसमें कभी वो हर वीज़ा ऑफिसर अलग है, लेकिन कई बार जो प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है जब कोटा तो उसका भी वीज़ा निकल जाता है और प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो उसका तो निकलता ही है। तो कोशिश करें कि जब आपके पास टाइम है, आप इमीडिएट उसकी डिसीज़न लेना है, आप जल्दी डिसीज़न लेके उस चीज़ को क्लोज़ करिए। अब जितना ज़्यादा वो आप मीन्स ये सोचते रहेंगे कि अभी टाइम है, तो उतनी देर में तो आपका वीज़ा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता है, आपका वीज़ा आपके फेवर में नहीं आता। अच्छा प्रोफाइल होते हुए भी हमने देखा 8-8 बैंड वालों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में, तो आमतौर पर मैं देखता हूँ 7 band, 8 band, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बिल्कुल जी, क्योंकि ये हर एम्बेसी का एक एक पर्टिकुलर तादाद में ही उन्होंने वीज़ा देना, उसके बाद उनका जो है बहुत कम उनके हाथ में होता है, तो मान लीजिए 10 में से 2 वीज़ा आ गए 3 वीज़ा आ गए तो रिजेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर जिन्होंने फाइलें शुरू में लगाई हैं तो 8 out of 10 आपका वीज़ा सक्सेस रेट मीन्स एक अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट रहता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो COE है वो 3 महीने जो है बंद कर देती है यूनिवर्सिटी CO के लिए, नहीं तो, ऐसा जरूरी नहीं है, हर यूनिवर्सिटी का टाइम अलग रहता है, कोई 2 महीने पहले भी बंद करती है, लेकिन एक कैलकुलेशन होती है कि 3 months पहले
जो है बच्चे की COE बंद, काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन आ जाती हैं और उसके बाद वीज़ा ऑफिसर के लिए उसका रीज़न क्या है COE? देखो डेढ़ से दो महीने तो मिनिमम माना जाता है हाई कमीशन, ऑटो ग्रांट आता तो एक दिन में भी आता है और पाँच दिन में भी आता है, लेकिन फाइल अगर वीज़ा ऑफिसर के बाद पास गई है, मान लीजिए उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन वेरीफाई करने हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स वेरीफाई करनी है, कोई एक्सपीरियंस वेरीफाई करना है, तो इनकी फाइल क्यों में गई है, तो वो सारा वेरीफाई होते होते कई बार जब गवर्नमेंट एजेंसीज अब बहुत टाइम लगाती है, एक मेल गया उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, फिर रिमाइंडर मेल गया, तो इस चीज़ के लिए हाई कमीशन को पूरा टाइम देना होता है, वो खाली इसी फाइल के लिए फ्री नहीं बैठे, उनके पास बहुत सारी लाखों में फाइलें आ रही हैं और हर वीज़ा ऑफिसर को एक अमाउंट मतलब एक तादाद में फाइल जो है वो दी जाती है और उसके बाद उनकी वेरीफिकेशन, अगर किसी फाइल को ज़्यादा चाहिए तो उसमें भी टाइम लगता है, तो दो महीने तो एटलीस्ट हमें हाई कमीशन को देने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम पंजाब हरियाणा की भी बात करें या रेस्ट ऑफ इंडिया भी बात करें, तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ओपन हो गई हैं जनवरी और फरवरी इनटेक के लिए, क्या अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज ओपन करने हैं? देखो खाली एक ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, इवन यूके में भी ये प्रॉब्लम है कि पंजाब बोर्ड के बच्चे नहीं एक्सेप्ट कर रहे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन वहीं पर वो हिमाचल J&K और बाकी जो और स्टेट्स हैं हमारी उनका एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही पंजाब का आपने जो पूछा कि पंजाब और हरियाणा का, नो डाउट काफ़ी सारी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी एक्सेप्ट कर रही हैं, मेलबर्न में एक दो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, ज़्यादा नहीं कर रही, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, अगर बच्चा कहता मैंने मेलबर्न ही जाना है तो हम कहते थोड़ा सा आप ओपन रहो, क्योंकि आपका मकसद है पढ़ने का, आपका मकसद है वहाँ जाके पढ़ने का, तो आप जो है थोड़ा सा अगर मान लीजिए तीन यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई करते हैं तो अगर दो मेलबर्न की है तो एक ब्रिस्बेन सिडनी या एडिलेड कोई भी एक जगह आप और अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि एटलीस्ट हमें ये ना हो कि लास्ट में GT में कोई रिजेक्शन हो गई या ऑफर लेटर नहीं आया तो फिर आप डिसअपॉइंट होते हैं, आपका टाइम ख़राब होता है, वी डोंट वांट कि यू शुड वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ द वैल्यू एंड टाइम इज़ द मनी नाउ इडेज, तो टाइम की ही जो एक जिसका कहते हैं कि वैल्यू है और टाइम से ही पैसा बनना है, तो आप टाइम मत बर्बाद कीजिए, आपको जो मिल रहा है वो यूनिवर्सिटी इससे भी बेटर हो सकती है, लेकिन बाई चांस जो है वो आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं, यही आप अपने आप को लक्की समझिए। अच्छा, अभी जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं हमारे 23 पास आउट इंडिया के, तो कितना मिनिमम स्कोर बैंड है जिससे आपको लगता है कि उनको अच्छा कोर्स मिलेगा अंडर ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएशन में? देखो 70-80% वाले प्रोफाइल को हम अच्छा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं G8 यूनिवर्सिटीज़, वो 68 में भी मना कर देते हैं कॉलेजेस के थ्रू, उनके अपने कॉलेजेस होते हैं जिसके थ्रू बच्चा 1 ईयर वहाँ करके फिर वो यूनिवर्सिटी में जा सकता है, तो 70-80% वाला प्रोफाइल हो, 6.5 बैंड हो, जो बहुत अच्छे प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, एलिजिबिलिटी जो है 60% एंड अबव 6 बैंड ईच प्लस टू वालों के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड और 60% हम पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के अभी मांगते हैं, जबकि अगर वो लेवल 1 यूनिवर्सिटी में सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं तो कई बार हम 55% भी ले लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यू नो वेरी गुड प्रोफाइल्स, कि बहुत अच्छे प्रोफाइल्स हैं उनके अगर हम बात करते हैं तो वो जो होते हैं 70-80-90% इवन आप ही के इस माध्यम से हमने देखा 94-95% के बच्चे 98% के बच्चे भी हमारे पास आए हैं, लेकिन अगर CBSE है और आपका परसेंटेज अच्छी है, आपका आई स्कोर अच्छा है, आपके पेरेंट्स के ITR अच्छी है और आपका मींस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, तो फिर कोई संभावना नहीं है कि केस ख़राब हो। मान लीजिए 22 पास आउट है, बहुत सारी इंक्वायरी आ रही हैं, मैं उन सब को जो है गाइड करूँगी, आप प्लीज़ न्यूजीलैंड के लिए सोचिए, इट्स अ वेरी गुड कंट्री और आपको हम सारा फाइनेंशियल कैसे करना है, क्योंकि बैंक्स बहुत लीनियंट हैं और नेविगेटर आपकी पूरी हेल्प कर रहा है, 22 पास आउट वाले बच्चों के लिए मैं न्यूजीलैंड का गाइड करूँगी या कैनेडा के लिए गाइड करूँगी, ऑस्ट्रेलिया उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, खाली आप उसके पीछे पड़ के एक चीज़ के कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आप अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें 1 या 2 साल का आप जस्टिफाई अगर करते हैं SOP में तो उनको कोई दिक्कत नहीं है।
जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस शो में भी मैम वीना गोयल ने हमारे साथ शेयर की है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल व्हाट्सअप कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आप ऑनलाइन भी, इंडिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।